आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, टीईटी पेपर लीक मामले पर सीएम ने सख्त निर्णय लिया है। दिनेश शर्मा, टीईटी पेपर लीक मामले पर विपक्ष के सवाल हास्यास्पद हैं। दिनेश शर्मा यूपी के हर जिले नकल के किए नहीं अकल के लिए जाने जाएंगे। दिनेश शर्मा, यूपी बोर्ड परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जाएगी। दिनेश शर्मा, नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। दिनेश शर्मा, बीजेपी ने जनता से किए हर वादे पूरे किए हैं। दिनेश शर्मा, स्वर्गीय किरण राय ने गुंडाराज के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्राणों की आहुति दी। दिनेश शर्मा, पूर्व विधायक किरण राय की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे थे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय को दी श्रद्धांजलि। मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में हुआ पुण्यतिथि कार्यक्रम। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की कर दी गई थी हत्या। है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है। आप पिछली सरकारों से अगर आज का आप ग्राफ की तुलना करो, हत्या में, डकैती में, अपहरण में, महिलाओं पे अत्याचार में, अनुसूचित वर्ग पे अत्याचार में, आज बहुत बड़ी कमी आई है। आज माफिया या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़कर गए हैं। सरकार बगैर पक्षपात के आज अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाए हुए है। हमने उद्योगों में ना केवल तरक्की करी है, बल्कि जो हमारा एक साल का ये कोरोना का संक्रमण काल था, 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश इस दौरान भी आया। 4,68,00,000 रुपए का जो हमने प्रपत्र भरे थे, उनमें 3,00,00,000 रुपए का जो उद्योग है वो आज धरातल पर उत्तर प्रदेश में आया है। उत्तर प्रदेश में 44 योजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार में नंबर 1 पर चल रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो लोग चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। आज जो भी काम हम करते हैं, आज कुछ विपक्ष के तमाम नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं सपना तो हमने देखा था। अरे सपना देखा था तो 20 साल से आपने पूरा क्यों नहीं किया? आज तो आज आपने पूरा क्यों नहीं किया? आज सपना बीजेपी पूरा कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हर तरफ जो वातावरण एक पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बना है, उसका मूल कारण यही है कि हमने पारदर्शिता के आधार पर, एक पवित्रता के आधार पर सरकार दी है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं किस हर दल को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन लोगों को सांप्रदायिक आधार पर उन्माद पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो लोग शहादत देने वाले लोगों को, बलिदान देने वाले लोगों की उपेक्षा करते हैं, जनता उनकी उपेक्षा जब चुनाव आता है तो मतदान के अवसर पर करती है। और सर, होगा सर, आज साहब मैं इतना ही बताऊँ, ये पूरे प्रदेश में ये वातावरण है। पूरे प्रदेश में कृष्णानंद राय जी पूरे प्रदेश के नेता थे, और पूरे प्रदेश में आज जो अपराध के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी है, मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी ये भावना भी छुपी हुई है कि आज प्रदेश से अपराध मुक्त होना चाहिए। मैंने कहा ना, कृष्णानंद राय जी एक मजबूत स्तंभ थे भारतीय जनता पार्टी के, और आज उनके समर्थक उससे ज़्यादा मजबूत स्तंभ बनकर उनके सपनों को पूरा करेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सुशासन का राज होगा यहाँ पर। और गाजीपुर का जिसमें मैंने बताया कि ये 4 लेन से जुड़ गई बनारस से, तमाम और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करने जा रहे हैं। सर, गाजीपुर तो आप इतना ही कह सकते हैं कि गाजीपुर अब स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।